Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss CDP का ये paper 2 है, ठीक है जी, CTET का paper 2 CDP का, और ये बहुत important question paper है. ये 28 December 2022 में ये paper आया था. As it is वो paper मैं आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आपको सारे questions जो आए थे वो हम डिस्कस कर सकें. और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज यू ऑल नो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें ऐसा प्लस पॉइंट है. एक तो होता है PSET का पेपर, उसमें ऐसा होता है कि क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के आते हैं, पर CTET का पॉजिटिव पॉइंट यही है. पहले तो इसमें पॉजिटिव मार्किंग होती है, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है. दूसरा इसमें क्या है, जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत बार रिपीट होके आते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कभी नहीं छोड़ के जाने, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं उन्होंने क्या बोला है. Assertion एंड रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है जी. मतलब assertion दिया है उन्होंने आपको और रीज़न दिया है उस चीज़ का कि ये चीज़ क्यों है. तो उसको आप देखेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है. सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो फिज़िकल डेवलपमेंट होती है बच्चे की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस करती है बच्चे के सोशल और कोगनेटिव डेवलपमेंट को. कि बच्चा फिज़िकली फ़िट होना चाहिए, बच्चे की फ़िज़िकल डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा फिज़िकली अच्छा होगा, फिज़िकली डेवलप्ड होगा, तो बच्चा सोसाइटी में अच्छा रहेगा और उसका जो माइंड सेट है वो भी सही रहेगा. तो ये तो देखो असर्शन तो बिल्कुल सही है कि बच्चा अगर फिज़िकली फ़िट है तो वो मेंटली और सोशली भी फ़िट है. तो असर्शन सही है आपका, ठीक है जी. और रीज़न क्या बोला है कि ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड इन चाइल्डहुड एंड ग्रेटली इन्फ्लुएंस ईच अदर. ये तो हमें पता ही है कि हमारे डेवलपमेंट में सारे एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है. देखो हमें फिजिकली भी सही रहना है, इमोशनली भी, इंटेलेक्चुअली भी, तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और दो सारी एक दूसरे से एक तरह से इंटरैक्ट करती हैं, रिलेटेड होती हैं. अगर ये सब चीज़ें रिलेटेड ना हो, मतलब एक चीज़ ख़राब हो जाए तो सारी ख़राब हो जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल आप बीमार हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे. जैसे आप बीमार हो, आप मेंटली बहुत ज़्यादा मतलब तंग आ चुके हो, बीमार हो अभी आप, तो आप पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं दे पाओगे. आपको तो अगर सिंपल मतलब जुकाम भी हो जाए तो उससे क्या होता है, सर दर्द होने लग जाता है, फिज़िकली ख़राब हो गया काम आपका. तो एक तरह से वो क्या है, इंटर रिलेटेड होती हैं चीज़ें एक दूसरे से. तो देखो रीज़निंग भी सही है. तो इसमें क्या सही आंसर होगा, ऑप्शन वन, दैट बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. ठीक है जी, पहला क्वेश्चन समझ आ गया आपको. नाउ कम्स अप विद द सेकेंड क्वेश्चन. तो सेकेंड क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि कौन सा वो प्रिंसिपल है जो सजेस्ट करता है कि ग्रोथ फॉलोज अ पैटर्न बिगनिंग फ्रॉम हेड एंड देन प्रोसीडिंग टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. तो हमने दो प्रिंसिपल्स किए थे डेवलपमेंट के, ठीक है जी, कि ग्रोथ कैसे होती है, एक सीक्वेंस में होती है. दो सीक्वेंस थे, एक था सिफेलोकॉडल, एक था प्रॉक्सिमोडिस्टल. तो सिफेलोकॉडल क्या बोलता है कि बच्चा सबसे पहले अपना सर संभालना सीखता है और उसके बाद बाकी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वो चेंजेस में आते हैं, ठीक है. और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या कहता है कि वो इनवर्ड से आउटवर्ड्स की तरफ जाता है, डेवलप होता है, ठीक है. तो इन्होंने क्या बोला, हेड की बात की है कि पहले हेड डेवलप होता है फिर आगे बाकी जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है वो डेवलप होती है. तो वो क्या होगा, सिफेलोकॉडल होगा, ठीक है जी. समझ आ गया सेकंड वाला भी. अब आते हैं थर्ड पे. थर्ड क्वेश्चन क्या है, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्री डिटर्मिंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशन. तो देखिए बहुत ही सिंपल सी, पहले इनका मतलब पता होना चाहिए. मैचुरेशन, जब बच्चा मैच्योर हो जाता है. स्कैफोल्डिंग, जब बच्चे को क्लूज या हिंट्स दिए जाते हैं किसी चीज़ के लिए ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सकें. अडैप्टेशन, कि हमने अडैप्ट करना है उस चीज़ को, एडजस्ट करना है वहाँ पे. और सोशलाइजेशन, कि हमें सोसाइटी में कैसे रहना है. तो इसमें क्या पूछा गया है, जेनेटिक, पहले तो जीन्स की बात हुई है, तो इससे ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है, कि ये क्या है, आपकी मैच्योरिटी की तरफ बात कर रहे हैं, ठीक है. कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन, मतलब ऑप्शंस तो हैं हमारे पास, क्वेश्चन समझ नहीं आता, बट एक प्लस पॉइंट वहाँ से आपने उठाना है. जेनेटिक की बात हुई है, जीन्स की बात हुई है, ठीक है. दूसरी चीज़ मैच्योरेशन, बट क्या होता है इसमें, प्री डिटर्मिंड अनफोल्डिंग, मतलब कि जैसे जैसे आपके बॉडी में क्या है, जीन्स है आपके पेरेंट्स के,
तो धीरे धीरे आपकी वो स्किल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी, आपकी जो एबिलिटीज़ है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगी। और वो कब डेवलप होंगी? जब आप मैच्योर होंगे। तो इसका सही आंसर क्या है? मैच्योरेशन। ठीक है जी, आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू जेन प्याजे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो एज़ वी ऑल नो कि हमने कौन कौन से फैक्टर्स पढ़े थे, हमने सोशल एक्सपीरियंस के बारे में बात की थी, इक्विलिब्रियम के बारे में बात की थी, ये जेन प्याजे से रिलेटेड है, मैच्यूरेशन की बात हुई थी, ठीक है जी, एक्टिविटीज़ की बात की थी। तो ये सब जेन प्याजे की वो फैक्टर्स हैं जो हमारी कोगनेटिव मतलब हमारे माइंड को अफेक्ट करता है, ठीक है, हमारी इंटेलिजेंस को इफेक्ट करता है। तो इनमें से कौन कौन से होंगे? मैच्यूरेशन तो है ही है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, तो पहला देख लीजिए, जिसमें पहला नहीं है वो तो कट ही जाएगा, ठीक है, देख लिया करो कि जिसमें नहीं है वो चीज़ वो कट जाएगी। तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट गया, बचे हमारे पास फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन। ठीक, कंडीशनिंग, कंडीशनिंग की बात नहीं हुई है, पनिशमेंट, पनिशमेंट की बात भी नहीं की गई है, एक्टिविटी की बात की गई है और सोशल एक्सपीरियंस की बात की गई है। ठीक है जी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें से आप देख सकते हैं तो पांच के पांच तो है नहीं, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें बचा तो बचा कौन सा आंसर? तो अब हम वो देखेंगे, फिर से हम चेक कर लेते हैं। एक है मैच्यूरेशन की बात की गई है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशनिंग की बात, फिर एक्टिविटी की बात और सोशल एक्सपीरियंस की बात। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है जी, मतलब फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ बिल्कुल ही सही है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जेन प्याजे का ही क्वेश्चन है। उसने बोला है कि जेन प्याजे, अ चाइल्ड हु बिलीव्स दैट वाटर व्हेन पोर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर गेन्स और लूजेस इन क्वांटिटी डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द सेकेंड कंटेनर। ठीक है, तो देखिए, ये पहले तो आपको जेन प्याजे की स्टेजेस पता होनी चाहिए, चार स्टेजेस थी, एस, पी, सी एंड एफ। ठीक है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। एज यू ऑल नो, सेंसरी में बच्चा अपनी सेंसेस यूज करता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, ठीक है जी, तो प्री ऑपरेशनल की बात आती है, उसके बाद कंक्रीट में आते हैं, फिर फॉर्मल पे। तो जो कंक्रीट होती है, कंक्रीट में बच्चा कंजर्व करना, क्लासीफाई करना सीख जाता है। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ बोली गई है कि जो बच्चा है वो कहता है कि वाटर को जब हम पोर करेंगे ना एक कंटेनर से दूसरे में, गेंस और लूजेज इन क्वांटिटी, तो उसको लगता है कि वो चीज़ कम या ज़्यादा हो जाएगी। वो जो पानी है एक कंटेनर से दूसरे में डालोगे तो वो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बच्चे को कंजर्वेशन नहीं आती, उसको क्लासीफाई करना नहीं आता चीज़ों को, उसको लगता है वो चीज़ कम या ज़्यादा हो जाएगी जबकि उसकी क्वांटिटी हमेशा सेम रहती है। तो बच्चे को अभी नहीं पता है, तो वो कंक्रीट स्टेज में है अभी वो। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला, हैज़ नॉट अटेंड कंजर्वेशन, क्योंकि अगर वो कंजर्वेशन अटेन कर चुका है तो उससे क्या होगा कि बच्चा क्या है, सीख गया है कि कोई भी चीज़ है चाहे उसको जितना भी चेंज कर लो वो चीज़ एज इट इज़ ही रहती है। ठीक है, तो कंक्रीट में जब कंक्रीट ऑपरेशनल की बात आएगी तो बच्चा इसमें कंजर्वेशन भी सीखेगा और क्लासिफिकेशन भी सीखेगा। तो कहने का मतलब अभी वो बच्चा नहीं सीखा है, तो वो किस स्टेज में होगा? वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है अभी। ठीक है जी, बात समझ आ गई, आई होप इट इज़ क्लियर। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, हैज़ नॉट मास्टर्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो वो तो सेंसरी में आ जाएगा बच्चे, तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल गलत है। इट्स लिमिटेड इन थिंकिंग ड्यू टू एनिमिज्म, एनिमिज्म तो प्री ऑपरेशनल में आ जाएगा, नहीं, इसमें वैसे भी एनिमिज्म की बात नहीं हुई है, वो तो होता है जब माइंड में आप बबल्स बनाते हो, कुछ भी सोचते रहते हो, तो वो चीज़ नहीं है। इज़ अनेबल टू परफॉर्म सीरिएशन, नो, सीरिएशन होता है कि जब सीरीज में कोई चीज़ लगानी है, तो इसका सही आंसर होगा हैज़ नॉट मास्टर अटेंड कंजर्वेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्याजे की जो स्टेजेस है कोगनेटिव डेवलपमेंट की, उनको सीरीज में लगाइए। तो अभी मैं आपको बता के हटी थी कौन कौन सी है, एस, पी, सी एंड एफ। ठीक है, तो उसको लर्न भी कर सकते हो, सम पीपल कांट फोकस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो पहले एस है, तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले एस कहाँ कहाँ पे है, सेकेंड और थर्ड में तो बिल्कुल नहीं है, तो इसको काट देते हैं, बचा फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, सेंसरी पहले में है,
फिर पी पे आते हैं, दैट इज़ प्री ऑपरेशनल है इसमें, फिर सी पे एंड देन फॉर्मल। तो देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेहा रिजिस्ट ईटिंग स्वीट्स हर मदर हैज़ गॉट फॉर द गेस्ट्स बिकॉज शी माइट गेट कॉट। कि नेहा की जो मम्मी हैं उन्होंने कुछ स्वीट्स मंगाई, ठीक है, मिठाई मंगवाई, क्योंकि उनके घर पे गेस्ट आने वाले थे। नेहा का उनको खाने का बहुत मन था बट वो नहीं खा सकती थी, क्यों नहीं उसने खाया। जैसे हमारे घर पे गेस्ट आते हैं हमें भी ऐसा होता है, अरे समोसे आए हैं, मिठाई आई है, हमारा बहुत मन करता है बट मम्मी नहीं खाने देती, क्यों नहीं, हम क्यों नहीं खाते फिर, डर के मारे, ताकि मम्मी हमें पनिश ना करे, मम्मी हमें बोले ना। तो कोलबर्ग के अकॉर्डिंग नेहा किस स्टेज में है। कोलबर्ग की आपको स्टेजेस याद होंगी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है जी। तो ये हमारी पहली स्टेज है जिसमें बच्चा पनिशमेंट से बचना चाहता है, ठीक है जी। तो ये कौन सी स्टेज होगी, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ठीक है। अगर आपको इनको ब्रीफ में पढ़ना है एक एक स्टेजेस के बारे में, तो वो वीडियोस तो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर डैश थ्योरी, किसकी थ्योरी थी जिसमें बच्चा लर्न करता है इंटरैक्ट करके विद मोर नॉलेजेबल पीयर्स एंड एडल्ट्स। तो देखिए हमने ZPD के बारे में पढ़ा था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर MQO के बारे में पढ़ा था। तो इसमें यही चीज़ बोली गई है कि कौन सी, किसकी थ्योरी थी वो जिसमें बच्चा इंटरैक्ट करके सीखता है अपने से ज़्यादा नॉलेजेबल बंदे से, ठीक है। तो वो किसकी थ्योरी थी, देखो जेन प्याजे की तो नहीं थी क्योंकि वो कोगनेटिव की थी, होवर्ड गार्डनर की नहीं थी क्योंकि वो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थी, कोलबर्ग की नहीं थी क्योंकि वो मॉरल डेवलपमेंट की बात करते थे। फिर आते हैं वगॉट्स्की, वगॉट्स्की इसका सही आंसर है क्योंकि वो तीन चीज़ों की बात करते हैं, सोसाइटी, कल्चर एंड लैंग्वेज। वो कहते हैं ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बच्चे की डेवलपमेंट में, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा था मोर नॉलेजेबल अदर मीन्स, फॉर एग्जांपल देके बता देती हूँ आपको कि जब आपको किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा पता है, जैसे अब मैंने साइकिलिंग करनी है, मुझे पता है कि मुझे साइकिल चलाना है और मेरा मन भी है साइकिल चलाने का, कई बार आपको क्या है एग्जैक्ट नहीं ट्रेनिंग मिलती है, ठीक है, तो आप क्या करोगे किसी उस पर्सन से जो ज़्यादा ट्रेंड है आपसे, या थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ट्रेंड है, इतना भी नहीं मतलब थोड़ा सा भी हो, तो वो आपको हेल्प करेगा एक स्टेप आगे जाने में। मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, आपसे थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेजेबल हो ताकि वो आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। तो ये वगॉट्स्की ने ये दिया था कंसेप्ट। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कोगनेटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू वगॉट्स्की। तो अभी मैं आपको ये बता के हटी थी वगॉट्स्की की थ्योरी में एक चीज़ याद रखनी है, वगॉट्स्की के अकॉर्डिंग सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज SCL, ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बच्चे की डेवलपमेंट में। तो इसमें से आप देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, कंडीशनिंग की बात नहीं की है, रीइन्फोर्समेंट की बात नहीं की है, हेरिडिटी की बात नहीं हुई है, कल्चर की बात की गई है, ठीक है जी। तीन ऑप्शन ही सही है इसमें से, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज जहाँ पर आ गया, तो इसमें कल्चर दिया हुआ है तो कल्चर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, होवर्ड गार्डनर की थ्योरी है इंटेलिजेंस की। तो होवर्ड गार्डनर की एज यू ऑल नो कि 7 तरह की इंटेलिजेंस की वो बात करते हैं, ठीक है जी। एंड द एबिलिटी टू मैनिपुलेट बोथ द बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट इज रेफर्ड टू, कि आपने बॉडी को मैनिपुलेट करना है। तो उनकी कौन सी इंटेलिजेंस थ्योरी थी बॉडी से रिलेटेड, काइनेस्टिक थ्योरी, ठीक है। पहली लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, नो, ये तो मैथमेटिक्स करने से रिलेटेड थी, ठीक है। बॉडीली काइनेटिक्स, ये बॉडी से रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही है। इंटरपर्सनल नहीं है, हमने किसी दूसरे बंदे से इंटरैक्ट थोड़ी करना है तो वो इंटरपर्सनल नहीं होगी। लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज की बात नहीं की गई है तो लिंग्विस्टिक भी नहीं होगी, तो ये बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड्स, विजुअल स्पेशियल मतलब देखना, पहले तो विजुअल का मतलब ही क्या होता है, देखना, ठीक है। तो वो इंटेलिजेंस कि कैसे आप उस चीज़ को व्यू कर रहे हो, देख रहे हो, तो वो जो इंटेलिजेंस होती है हॉवर्ड गार्डनर ने दी थी, उसका मतलब क्या था, कैपेसिटी टू थिंक इन इमेजेस एंड पिक्चर्स एंड टू विजुअलाइज एक्यूरेटली एंड एब्स्ट्रैक्टली, कि जो आप चीज़ें सोचते हो दिमाग में, पिक्चर्स बनाते हो, ठीक है, और विजुअलाइज करते हो उसको
एक्यूरेटली मतलब बिल्कुल सही से, या सेंसिटिविटी टू रिदम पिच मीटर टोन मेलोडी। देखो सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि विजुअल की बात की गई है, देखने की बात की गई है, गाना गाने की बात नहीं हुई है, तो सेकंड तो नहीं होगा। एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड एंड क्रिएट स्टोरीज, आपने स्टोरीज थोड़ी बनानी है बैठ के, तो सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। फोर्थ, एबिलिटी टू क्लासीफाई नेचुरल फॉर्म्स, नहीं, नेचुरल तब होगा जब नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की बात की गई है। ठीक है, ये भी एक इंटेलिजेंस है, एज यू ऑल नो होवर्ड गार्डनर की आपने पढ़ी होगी, तो उसमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस भी आती है, मतलब जो नेचर को अप्रिशिएट करते हैं, तो ये नेचर की बात तो नहीं की गई है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, आई होप दिस इज़ क्लियर। फिर भी अगर आपको किसी भी थ्योरी में कोई भी दिक्कत है, मैं एक पूरी वीडियो सारी थ्योरीज पे ही आपके लिए ले आऊँगी, बट वो आपको मुझे बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में वेदर यू नीड दैट और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर्स रिमार्क टू बॉय इन अ को एजुकेशन स्कूल, कि एक टीचर ने एक बच्चे को, एक बॉय को बोला क्लास में, बी स्ट्रांग एंड डोंट बिहेव लाइक अ गर्ल्स। ठीक है, उन्होंने बोला कि अरे लड़कियों की तरह बिहेव मत करो, स्ट्रांग रहो। कहने का मतलब क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की बात आई है। देखो इक्विटी की बात नहीं आई है, ठीक है, बराबर नहीं रखने की बात आई है, फेयर रहने की बात नहीं आई है, रोल फ्लेक्सिबिलिटी तो बिल्कुल नहीं है, इक्वालिटी की बात बिल्कुल नहीं है, उल्टा उसकी बेइज्जती हो रही है, तो स्टीरियोटाइपिंग की बात है ये। ठीक है, कि वो टीचर है वो भी क्या है, लड़के और लड़की में भेदभाव कर रही है, तो वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो जाएगा। ठीक है जी, नाउ कम्स द नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी द पैडागॉजिकल स्ट्रैटेजीज इन अ क्लासरूम विद अ डाइवर्स लर्नर्स। कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी चाहिए एक टीचर को डाइवर्स लर्नर्स में? डाइवर्स मतलब बहुत अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, किसी का सीखने का ढंग कुछ है, किसी का सीखने का ढंग कुछ है, तो आप उसमें कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे? पहला, रीजनेबल अकोमोडेशन, मतलब सबको एक साथ बिठा के एक्टिविटीज़ करवाओगे, अकोमोडेट करोगे, इकट्ठा करोगे, बिल्कुल सही है, पॉजिटिव चीज़ है। स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, ये बिल्कुल गलत है, मतलब सबको एक ही बराबर रखना, नहीं, किसी की एबिलिटी कुछ होती है तो उसको उस अकॉर्डिंग पढ़ाओ ना, तो सेकंड वाला गलत है। डी कंटेक्चुअलाइज्ड करिकुलम, नहीं, कंटेक्चुअलाइज होना चाहिए, करिकुलम भी प्रॉपर होना चाहिए। इनफ्लेक्सिबिलिटी अप्रोच, ये भी गलत है, इनफ्लेक्सिबिलिटी क्यों, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, रीजनेबल अकोमोडेशन, क्योंकि ये बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखता है। ठीक है जी, नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग कौन सी होती है? फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव, तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट किस चीज़ के लिए होती है? जब आप बच्चे को असेस करते हो, टाइम टू टाइम उसकी हेल्प करते हो, मतलब टीचर क्या है, जैसे कोई एक्टिविटी चल रही है, बीच बीच में बच्चे को बताएगा कि कहाँ पे वो गड़बड़ कर रहा है, वो होती है फॉर्मेटिव। ठीक है, वो होती है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो इसमें से कौन सा एस्पेक्ट है फॉर्मेटिव से रिलेटेड है या असेसमेंट फॉर लर्निंग से रिलेटेड है? ये एक सिंगल स्ट्रैटेजी असेसमेंट की कैन प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ चाइल्ड प्रोग्रेस एंड लर्निंग, ये बिल्कुल गलत बात है, सिंगल स्ट्रैटेजी थोड़ी है ये एक, ठीक है, जो बच्चे की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा, नो, इट सर्व टू ऑब्जर्व द चेंजेस इन लर्निंग प्रोग्रेस ओवर टाइम, कि हेल्प करेगा ऑब्जर्व करने में जो चेंजेस हो रहे हैं लर्निंग प्रोग्रेस टाइम टू टाइम, वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो जाती है फिर। इट डज नॉट आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एंड स्पेसिफिक नीड्स, ये भी गलत बात है, हेल्प द टीचर टू आइडेंटिफाई हु आर मेंटली रिटार्डेड, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है फोर्थ वाला, कि टीचर है वो असेस कर पाएगी बच्चे की एबिलिटीज़ को देख के कि किस बच्चे में कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, ताकि वो उनको सही कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम ऑफ असेसमेंट शुड बी टू, कि हम बच्चे को असेस करते हैं एज अ टीचर, तो उसका क्या एम होता है, हम क्यों असेस करते हैं, असेसमेंट क्यों करनी ज़रूरी है? पहला, टू इंड्यूस द फियर एंड स्ट्रेस इन स्टूडेंट्स, बच्चों को स्ट्रेस देने के लिए, ये तो बिल्कुल गलत बात है। क्रिएट फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, ये भी गलत बात है, बच्चों को इनसिक्योर क्यों फील करवाना है आपने? इनेबल कंपैरिजन अमंग स्टूडेंट्स, कंपेयर क्यों करना है किसी को किसी से? एड इन प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, ये बिल्कुल सही है, ताकि हम टीचिंग लर्निंग को अच्छा बना सके। ठीक है, क्योंकि ये एक एड है, मतलब हेल्प करती है हमारी टीचिंग में और लर्निंग में बच्चों। ठीक है जी, तो ये बिल्कुल सही है। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से असर्शन एंड रीजनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट। असर्शन है ओनली स्पेशल चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम इंक्लूसिव एजुकेशन, कि सिर्फ जो बच्चे स्पेशल होते हैं, स्पेशल मीन्स फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, क्या सिर्फ
उनके लिए ही इंक्लूसिव एजुकेशन है? नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है सभी बच्चों को इंक्लूड करना, नॉर्मल एज वेल एज फिजिकली हैंडीकैप, दोनों बच्चों को, हर तरह के बच्चे को एक ही छत के नीचे बिठा के पढ़ाना, उसको इंक्लूसिव बोलते हैं। तो ओनली वर्ड तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ओनली वर्ड नहीं लगाना, जहाँ पे लग गया समझ लो ख़त्म है, गलत है। रीज़न क्या है? द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ एड्रेसिंग ओनली लर्नर विद सम इम्पेयरमेंट। कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट है वो सिर्फ उन लर्नर्स के लिए है जिनको कुछ इम्पेयरमेंट है, तो ये भी गलत है। तो दोनों ए और आर क्या है? फॉल्स। ठीक है जी। नाउ कम्स द नेक्स्ट, टू कैटर द स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड टीचर शुड प्रैक्टिस। जो डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से हैं बच्चे, तो टीचर को क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन तो बहुत गलत बात है, एक्सक्लूजन मतलब उस बच्चे को अलग रखना, गलत बात है। इंक्लूजन होगा तो पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स पे भी मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी एक बार, ताकि आपको आइडिया हो जाए। मार्जिनलाइजेशन, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। मार्जिनलाइजेशन तो बिल्कुल नहीं करनी, मतलब एक तरह से मार्जिन लगा दी कि नॉर्मल बच्चे इधर तो और दूसरे वाले बच्चे इधर, नहीं, डिवाइड तो नहीं करना। स्टैंडर्डाइज करिकुलम ये तो बहुत ही गलत बात है कि एक स्टैंडर्ड सेट कर देना कि सबको इसी के बराबर जाना है और यही करना है। आप किसी की एबिलिटी नहीं देख रहे, स्किल्स नहीं देख रहे, बस अपने हिसाब से चला रहे हो, तो ये गलत है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन ये बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ है, टीचर को करनी चाहिए। हर एक बच्चे के लिए इंस्ट्रक्शंस अलग होने चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे की नीड्स अलग हैं, तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस तो होनी ही चाहिए। ठीक है जी। नाउ कम्स अप विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू एड द मोबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी। कि वो बच्चे हैं जो चल फिर नहीं पाते, लोकोमोटर मीन्स जो चल फिर नहीं पाते, तो उनके लिए कौन सी एग्जाम्पल है असिस्टिव टेक्नोलॉजी की, ताकि आप बच्चे की हेल्प कर सको? व्हीलचेयर। व्हीलचेयर देखो पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है जी, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से आप, वो बच्चा पढ़ने भी आ सकता है और उसको एक हेल्प भी मिल गई है एक तरह से, ठीक है। लार्ज प्रिंट बुक्स, तो देखो बच्चा चल नहीं पा रहा तो वो बुक्स का क्या करेगा, बुक्स उसकी हेल्प थोड़ी करेंगी चलने में। वर्ड प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर, ये भी गलत बात है। टेक्टाइल मटेरियल नहीं, व्हीलचेयर उसके ज़्यादा काम आएगी जस्ट बिकॉज वो चल नहीं सकता, ठीक है, तो वो पॉजिटिव चीज़ है। नाउ कम्स द नेक्स्ट इज, डिफ़िकल्टीज इन मैथमेटिकल कंसेप्ट एंड कॉम्पिटिशन आर टिपिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट विद। कि बच्चे को मैथमेटिकल कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो देखिए ये इम्पेयरमेंट वाले टॉपिक से हैं। एक होता है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया होता है जिसको रीडिंग में प्रॉब्लम आए, ठीक है। डिसग्राफिया होता है जिसको राइटिंग में प्रॉब्लम आए। ऑटिज़म होता है वो बच्चे जो कंसनट्रेट नहीं कर पाते सही से, ठीक है, वो एकदम से मतलब डर जाते हैं किसी भी चीज़ को, एक्सेप्ट नहीं कर पाते फटाफट, वो ऑटिज़म वाले होते हैं। डिसकैलकुलिया इसका सही ऑप्शन है, डिसकैलकुलिया होते हैं वो बच्चे जिनको कैलकुलेशन वगैरह में दिक्कत आती है, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन वन, दैट इज़ डिसकैलकुलिया। होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, टिपिकल आइडेंटिफाइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ क्रिएटिव चिल्ड्रन इंक्लूड्स। ठीक है, कि जो क्रिएटिव बच्चा है उनके कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहले तो रिजिडिटी फॉर आइडियाज, हाई टॉलरेंस फॉर बोर्डम, प्रेफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्सिटी एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो इसमें से देखिए, रिजिडिटी ऑफ आइडियाज मतलब आइडियाज रिजिड होते हैं, एक ही एरिया में बस उतने ही रहते हैं, तो वो क्रिएटिव बच्चा थोड़ी हुआ, ठीक है। हाई टॉलरेंस फॉर बोर्डम कि मतलब उसकी टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्रिएटिविटी कहाँ से आ गई। प्रेफरेंस फॉर कॉम्प्लेक्सिटी कि जो कॉम्प्लेक्स वगैरह है तो वो ज़्यादा चीज़ प्रेफर करता है उस चीज़ को, ये भी गलत बात है। तो इसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग आएगी, ठीक है जी। डाइवर्जेंट होता तो वो ज़्यादा पॉजिटिव था, बट अब अगर कन्वर्जेंट है तो आपको उस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए, दैट इज़ कन्वर्जेंट थिंकिंग, ठीक है जी। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंगफुल लर्निंग इन्वॉल्व्स। कब आप बोलेंगे कि जो आपकी लर्निंग है वो मीनिंगफुल है? पहले जब आप बच्चे को रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोगे, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो वो मीनिंगफुल कहाँ से हुई? ये तो लालच की हेल्प से की ना। रिवॉर्ड मतलब आप लालच दे रहे हो बच्चे को कि अगर तुम ये, तो देखिए लालच वाला तो बिल्कुल ही गलत है। अपॉर्चुनिटी टू इंटरैक्ट विद ईच अदर कि वो बच्चा इंटरैक्ट करेगा एक दूसरे से, तभी उसको मीनिंगफुल लर्निंग होगी, अच्छी लर्निंग होगी।
ये भी बिल्कुल सही है. रिफ्लेक्शन ऑन लर्निंग, हाउ टू लर्न, कि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो उस चीज़ पे कि कैसे लर्न करते हैं, तो ये मीनिंगफुल तो नहीं होगा. अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कॉम्पिटिशन, देखो कॉम्पिटिशन बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, तो हमारे पास दो पॉजिटिव चीज़ें हैं, एक सेकेंड ऑप्शन और एक थर्ड ऑप्शन, कि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो उस लर्निंग पे कि कैसे लर्न करते हैं. पर उन्होंने पूछा मीनिंगफुल लर्निंग इन्वॉल्व्स, कि कब आप कहोगे कि लर्निंग मीनिंगफुल हुई. तो देखो अपॉर्चुनिटीज़ वाला ठीक है, बट वो ग्रुप एक्टिविटीज़ के लिए हुआ, ठीक है. तो बचा क्या, थर्ड ऑप्शन. हमने बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है, ठीक है. जब दो ऑप्शंस में या तीन ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो, तो बेस्ट ऑप्शन देखना है कौन सा है. तो रिफ्लेक्शन ऑन लर्निंग, हाउ टू लर्न, तभी हमारी लर्निंग क्या होगी, बेस्ट हो पाएगी, ठीक है. नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग. असर्शन है कि जो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, मतलब बच्चे को सेंटर में रखना है, उनकी नीड्स को ध्यान में रखना है, वो होती है लर्नर सेंटर्ड अप्रोच. वो ऐसी होती है जहाँ पे टेक्स्ट बुक सेंटर होता है सभी लर्निंग का. तो टेक्स्ट बुक कहाँ पे सेंटर हो गया, वो तो लर्नर सेंटर्ड है ना, बच्चे की एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखना है, बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखना है. तो ए ऑप्शन गलत है. रीज़न क्या है, स्टूडेंट होते हैं जो मिडिल स्कूल के, वो बेस्ट लर्न करते हैं जब उनको रिप्रोड्यूस करने के बोलो टेक्स्ट बुक जैसे कि वो है, कि जो टेक्स्ट बुक्स में लिखा है बस वही बोलो, रट्टा मार लो. तो ये भी गलत बात है. तो दोनों ही क्या है, गलत है, ठीक है. तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि दोनों ही गलत है. नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम लर्निंग, जो सोशल कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम होती है कि बच्चा सोशल एक्टिविटीज़ भी सीखे, ठीक है, अच्छे से उसका माइंड कंस्ट्रक्ट हो, तो उसमें लर्निंग क्या होगी. ये एक परमानेंट मेजरेबल चेंज है बच्चे के बिहेवियर में, ये प्रोसेस है. अगर को कंस्ट्रक्शन करना है हमने नॉलेज में, हैपन्स बाय पेयरिंग ऑफ अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, टेक्स प्लेस वन स्टूडेंट आर ऑफर्ड पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट. तो देखिए सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम, एक क्लासरूम तभी अच्छा हो सकता है जब बच्चे को पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट मिले, पॉजिटिविटी मिले, प्रॉपर इन्वायरमेंट मिले. तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है जी. नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट शुड बी द बेसिस फॉर अ कंड्यूसिव क्लासरूम इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग. बेस्ट क्लासरूम इन्वायरमेंट कौन सा होता है बच्चे के लिए लर्न करने के लिए. कंड्यूसिव मीन्स बेस्ट. तो बेस्ट कौन सा होगा जी, जहाँ पे कंडीशनिंग और रीइन्फोर्समेंट होगी. कंपटीशन होगा, ये तो गलत बात है. कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन पॉजिटिव चीज़ है. सेग्रीगेशन, लेबल तो नहीं करना बच्चे को कि तू कम पढ़ता है या ज़्यादा पढ़ता है, ये लेबलिंग नहीं करनी. तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जहाँ पे बच्चा कोऑपरेट करे और कोलैबोरेट करके पढ़ाई करे, ठीक है जी. नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन असर्शन एंड रीजनिंग की बात है. असर्शन क्या है, इनकरेज करना मिडिल स्कूल बच्चे को टू इंटुएटिव गैसेस एंड प्रॉम्प्टिंग देम टू लुक फॉर डिफरेंट वेज इन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू प्रमोट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. ये तो बिल्कुल सही बात है कि आप मिडिल स्कूल जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उन बच्चों को बोलो कि आप गैसेस लगाओ, इस क्वेश्चन का आंसर गैस करो और अलग अलग वेज देखो कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. इससे बच्चा ब्रेन स्टॉर्म करेगा. तो ये पॉजिटिव चीज़ हुई, ठीक है. नेक्स्ट रीजनिंग इज चिल्ड्रन लर्न थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्कशन एंड थिंकिंग ऑफ मल्टीपल परस्पेक्टिव. जब बच्चा मल्टीपल वेज में सोचेगा, अलग अलग तरीके से सोचेगा, तो वो बेस्ट सीख पाएगा. तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है. तो दोनों ही सही हैं, क्योंकि जो सेकंड वाला रीज़न है ना, वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए, ठीक है जी. आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू. नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चंस इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में जो क्वेश्चंस होते हैं, पहला ऑप्शन शुड बी आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स एंड आंसर्ड बाय टीचर ओनली. तो देखिए मैंने तो बहुत क्लियरली ये बात बताई है, जहाँ पे ओनली आ गया ना, वो ऑप्शन तो बिल्कुल कट जाते हैं. तो पहले दो ऑप्शन तो गलत है. शुड नॉट बी आस्क्ड और रिस्पॉन्डेड बाय एनीवन. जब कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा क्यों. लास्ट शुड बी आस्क्ड एंड आंसर्ड बोथ बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब अगर बच्चा क्वेश्चन पूछे तो टीचर रिस्पॉन्ड करे, टीचर क्वेश्चन पूछे तो बच्चा रिस्पॉन्ड करे, ठीक है. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्रेंसिक मोटिवेशन अमंग स्टूडेंट्स कैन बी इंक्रीज बाय. दो तरह की मोटिवेशन होती है, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक. एक्सट्रेंसिक होती है जो सिर्फ आप अपने प्लेजर के लिए, जॉय के लिए पढ़ते हो. इंट्रेंसिक होती है जो आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ते हो, ठीक है. तो इंट्रेंसिक कौन सी हुई, कैसे इंक्रीज होगी, जब आप रिवॉर्ड दोगे, लालच दोगे, नहीं, वो एक्सट्रेंसिक हो जाएगी. नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, ये गलत बात है, ये भी एक्सट्रेंसिक हो जाएगी. फियर ऑफ पनिशमेंट, बच्चे के मन में डर बना रहेगा, ये भी गलत बात है. फोकसिंग ऑन जॉय, ये बिल्कुल सही है, इंट्रेंसिक है, ठीक है. बच्चे को खुशी मिले, नॉलेज मिले उस चीज़ को, वो इंट्रेंसिक हो जाएगी. तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है.
नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो स्टूडेंट्स होते हैं मिडिल स्कूल के, वो अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं और मीनिंग बनाते हैं थ्रू, कैसे करते हैं वो? एक्टिव एक्सप्लोरेशन करके, बिल्कुल सही है, बच्चा एक्सप्लोर करेगा. वर्क करके उस प्रॉब्लम पे, बिल्कुल सही है. इंक्वायरी और एक्सपेरिमेंटेशन, बिल्कुल सही है. इंटरैक्ट करेगा वो बच्चों से और टीचर से, ये भी बिल्कुल सही है. तो चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है जी. नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. टीचर शुड इनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक ऑफ एबिलिटी एज डैश एंड फेलियर एज डैश. कि टीचर है वो बच्चे को इनकरेज कर रही है वो जो कि वो एबिलिटी है वो उसको कैसे देखे और फेलियर को कैसे देखे. तो देखिए, वो एबिलिटी को इंक्रीमेंट की तरह देखे कि एक पॉजिटिविटी की तरह देखे, और फेलियर को कैसे देखे, एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखे फॉर इम्प्रूवमेंट. कि वो अगर फेल भी हो गया तो भी कोई बात नहीं, वो आगे जाके इम्प्रूव कर सकता है. वो ऐसे पॉजिटिव वे में देखे उसको. ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है. नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज डैश वुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर फॉर चिल्ड्रंस अकेडमिक फेलियर. कि अगर बच्चा फेल भी हो गया तो उसमें कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, या कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा? कोलैबोरेटिव लर्निंग, तो ये तो पॉजिटिव चीज़ है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगी बच्चे की फेलियर में. इंक्लूसिव क्लासरूम, सबको इंक्लूड करना, तो ये तो देखो पॉजिटिव चीज़ है, ये भी गलत नहीं होगी. मीनिंगफुल लर्निंग बनाना, तो इससे तो बच्चा फेल होगा ही नहीं कभी. थर्ड वाले से हो सकता है जब आप डीकंटेक्चुलाइज करिकुलम करोगे, मतलब वो करिकुलम ऐसा बनाया गया है कि वो सही नहीं है, बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो बच्चा खुद ही फेल होगा. ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है जी. एंड ये थे आज का क्वेश्चन पेपर जो हमने रिवाइज किया CDP का. और अगर आपको ये क्वेश्चन पेपर आज का यूजफुल लगा हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. और एग्जाम से पहले मैं ऐसे ही आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेके आती रहूँगी, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं और आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन.